मीरा भाईंदर के शिवसेना लीडर उदय पारस्कर बोलने में कम और काम करने में अधिक विश्वास रखते हैं। 30 जून को मीरा रोड ऑफिस में उदय पारस्कर का बड़े ही धूमधाम से केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। ढोल बाजे के साथ उनके जन्मदिन का जश्न मनाया गया। इस मौके पर नगर सेवक सहित कई लोग मौजूद हुए। मीरा भाईंदर के शिवसेना लीडर उदय पारस्कर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सामाजिक काम और गरीबों की मदद करते रहते हैं। इस काम में हमारे दोस्तों का ग्रुप भी सक्रिय रहता है। हम केवल कुछ काम करते हुए एक फोटो खिंचवाकर अखबार में छपवाने में विश्वास नहीं करते, बल्कि जनता की सेवा चुपचाप करते रहने में यकीन रखते हैं। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। मैं ऐसे ही समाज की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने यहां आए हुए तमाम मेहमानों, अपने करीबी दोस्तों, इलाके की जनता और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ बहुत से दोस्त और मेहमान आए। लोगों ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि उदय पारस्कर अभी युवा है और उनमें काम करने का एक जुनून है। उन्हें शाखा प्रमुख का पद देने के बारे में सोचा जा रहा है। हम सब सिफारिश करेंगे कि उन्हें इस इलाके का शाखा प्रमुख बनाया जाए, ताकि वह जुनून के साथ जनता की सेवा कर सके। मीरा भाईंदर के शिवसेना लीडर उदय पारस्कर के दिल में जनता के लिए प्यार, हमदर्दी और उनकी सेवा करने का जज्बा है, और उनके दोस्त और स्थानीय लोग उनकी इस खूबी से परिचित है, इसलिए वे सब चाहते हैं कि उदय पारस्कर को शाखा प्रमुख बनाया जाए। उतने बाकी सब फ्रेंड्स लोग को, जितने सब फ्रेंड्स लोग का प्यार है, आज सब आए। और नॉर्मली मैं ऐसा कुछ तो ज़्यादा किया नहीं हूँ, जो भी है मेरे से हो सका उतना किया हूँ। और हमारे जो ग्रुप है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो पहले से समाज सेवा में पहले से हाथ बटाते हुए आए, आगे भी हाथ बटाते रहेंगे, करते ना। पर हम वो कार्य आज तक कभी किसी को ऐसा या फोटोज़ में ऐसा शो नहीं किए, पर हमारे हाथ से हम कार्य करते रहते हैं। जितने हमारे से किसी एक गरीब को मदद हो सके वो हम करते रहते हैं। ऐसा तो यही रहेगा कि ऐसे ही तुम्हारा प्यार मेरे से बना रहे और ऐसे ही मैं आगे बढ़ते रहूँ और ऐसे ही मैं समाज की सेवा करते रहूँ, इतना ही। बस उनका ही प्यार है, ये सब प्यार उनका ही दिखाई दे रहा है अभी भी, और उनका प्यार ऐसे ही बना रहे और मेरा काम ऐसे ही चलते रहे, मैं यही समझ। युवाओं के लिए हम तो सोच रखते हैं, पर अभी सोच हर किसी की अलग अलग रहती है, तो इसके हिसाब से मैं उनके साथ के उनके सोच के हिसाब से चलता हूँ। जैसी उनकी सोच है उनके साथ में वैसा घुल मिल के उनके हिसाब से काम करता हूँ। अपने से जितना अच्छा ज्ञान बांटे और उनको अच्छी शिक्षा मिले, यही अपन बात करते हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि मेरे फ्रेंड आए, विलास भाई हमारे साथ आए नालस पारे से, और हमने मुझे कॉल किया कि भाई आज मेरा भेंद्र हमारे उदय पावस्कर आज उनका जन्मदिन है, तो मुझे बोला कि वहाँ पे जाना है। तो मैं बहुत खुश हुआ उस चीज़ के लिए कि हमारे यहाँ पे भी भंडारा था, साईं बाबा के भाई आए थे हमारे लिए, तो मतलब चलो जाते हैं। और आज देख के बहुत अच्छा लगा, इतने पब्लिक का प्यार, इनका इतना इनका नाम है, और जो हिसाब से सब मैनेज किया है बहुत अच्छा किया है, और यहाँ के जितने फ्रेंड्स हैं इनके, बहुत सब ने हेल्प किया है, और सबको एक धन्यवाद, सबको एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ उस चीज़ के। नहीं, ये नेता नहीं, एक फ्रेंड्स है, और जितना युवा से ना, मतलब यंग लड़के जितने सब इनको सपोर्ट है, और यंग लड़के को आज क्या कमी है और क्या नहीं है ये सब नहीं जानते कि आज वो इनके उम्र के हैं, तो वो हिसाब से यंग जितने बड़े ग्रुप है सब उनका साथ दे रहे हैं, और मैं भी उनका साथ दूंगा। भाई का जन्मदिन है तो मैं मेरा टाइम निकाल के कैसे कैसे आया हूँ, बस उनको जन्मदिन के शुभकामनाएं। भाई सबसे बड़ा सरप्राइज है कि हम लोग भाई को टाइम निकाल के मिलने के लिए आए, और हमें पता नहीं था कि विलास भाई ने बोला हमारा एक भाई मित्र है, उनसे आपको मिलना है, तो आने के बाद इतनी खुशी हुई। उनका प्यार ऐसा, मतलब मालूम पड़ रहा है कि दोस्तों के लिए बहुत बड़ा ये है, सरप्राइज़ है उनके लिए, और बहुत काम करते हैं और आगे भी हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगे वो। आज मैं तो युवा सेना के कुछ नेता है, लेकिन मैं तो बाबा को प्रे करूँगा इस चीज़ के लिए कि अगले साल 19 तक आने तक हमारे आज युवा सेना के अध्यक्ष जो भी है, तो मैं तो सोचूंगा कि मैं तो पहले से, कि मेरी खुशी है कि वो यार नगर सेवक के लिए खड़ा हो, तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा मलाड से हम रहते हैं मलाड में, लेकिन हमारा ग्रुप पूरा आएगा इनका हेल्प करने के लिए। और आज इनका नाम बहुत अच्छा है और जनता की सेवा भी करते, पर शो नहीं करते उस चीज़ के लिए कि करके दिखाना वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी गरीब आता है इधर ऑफिस में तो खाली नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तो हेल्प हम लोग कर ही देते हैं। वैसा हमारे उदय भाई सबको हेल्प करते आ रहे हैं अभी। आसान मैं तो पसंद कर रहा हूँ, पब्लिक भी करेगी, वैसे नहीं था वैसे दोस्त जो नहीं बोलते, जो करते वो बहुत अच्छे होते, जो खाली बोलते वो करते नहीं है। तो हमारे भाई उदय भाई तो शांत है, लेकिन अंदर से बहुत एक्टिवेट, मतलब बहुत काम करने की क्षमता करते हैं, क्योंकि मैं आगे और कुछ करूँगा। अभी हमारा ऑफिस इधर है, आगे हमारा अभी 1 महीना 2 महीना हमारा शिफ्ट होएगा ऑफिस वहाँ पे नया, फिर से आप लोग आइए और हमारे ऑफिस में क्या है क्या नहीं आप देखिए कि हमारे उदय भाई ने कैसे मैनेज किया है सब कुछ। जैसा प्यारा ये ऑफिस है, इससे कहीं अच्छा ऑफिस हमारा दूसरा होगा।
मैं शिवसेना की शहर संगठक हूँ। यहाँ के यहाँ पे 35 साल से मैं काम कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप मतलब शाखा संगठक से यहाँ तक शहर संगठक तक पहुँची हूँ। और अभी तो शहर संगठक में होने में 8 साल हो गया मैं काम करती हूँ यहाँ पे मीरा रोड का पूरा महिला आघाड़ी का, और महिला आघाड़ी के साथ महिला लोगों को लेकर काम करती हूँ। ये युवा नेता उदय पारसेकर अपने अभी 2 साल पहले उनकी एंट्री हुई है शिवसेना में, यंग है उसको उसमें ये जुनून है थोड़ा काम करने का, इसके वजह से उसको थोड़ा शाखा प्रमुख का पद देने का हम लोग सोच रहे। देने वाले तो ऊपर से देते हैं, मतलब हमारे जो बड़े बड़े नेते लोग हैं वो देते हैं, लेकिन हम लोग सिफारिश करेंगे उनके पास और ये यंग लड़के जुड़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इसके लिए उनको आगे ले रहे हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामना दे रही हूँ। मेरा नाम रेशमा सावंत है, मैं ये मीरा भाईंदर शहर के उप शहर संगठक हूँ। हमारे उदय पारसेकर जी मेरे बच्चे समान है और इतने यंग पर्सन हम लोगों को जुड़े हैं, इसके लिए हम लोग बहुत खुश है। मेरी यही मनोकामना है कि उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्होंने कुछ करके दिखाना चाहिए, हमारी शिवसेना को और बढ़ाना चाहिए, इतनी हमारी उम्मीद है, वो हमारी उम्मीद उन्होंने खाली पूरी करनी चाहिए। उदय पारसेकरांना खूप खूप शुभेच्छा, त्यांनी असंच मोठे व्हावं आणि पुढे जात राहावं हीच आमची इच्छा आहे। एक शिवसैनिकांच्या वाढदिवसानिमित्त एवढ्या सैनिकांनी मोठ्या प्रमाणात उत्सव दाखवून एक परत शिवसेनेची ताकद या मिरवणूक विभागावर दाखवल्याचं म्हणताय म्हणायला पुढे ठरणार नाही, कारण प्रामुख्याने सर्व युवा जेवढी जी युवा पिढी आहे ती सर्व सोबत आहे उदयच्या, आणि एक अनुभवी उपशहर प्रमुख म्हणून जो शाखा प्रमुख पासून आनंद दिघे साहेबांच्या पत्रावरती जो शाखा प्रमुख झाले असे राजेशजी भरप ते आज उपशहर प्रमुख आहेत या मिरवणूक विभागाचे, त्यांच्यासोबत असे आमचे सावंताय उपशहर प्रमुख आहेत, माझ्यासोबत आलेले विभाग प्रमुख विलास सुरवंशी, उपविभाग प्रमुख विशाल मोरे, उपविभाग प्रमुख प्रशांत सावंत आणि शाखा प्रमुख हरेन आणि शिवसेनेचे उपशाखा प्रमुख सर्व पदाधिकारी सर्व ह्या उत्सवात सगळे सहभाग झाले। उदयला उदंड आयुष्य लागू असे मी आयोजक दिनाचरणी प्रार्थना करतो आणि त्याच्या हातनं चांगलं कार्य ह्या मिरवणूक विभागात घडो, या मिरवणूक विभागामध्ये ह्याच हे पुढच्या ह्याच्या पूनम सागर विभागामध्ये 38 नंबरला मी ही शाखा प्रमुख होतो, आज मी उपजिल्हा प्रमुख झालेला आहे। मीरा रोडला चांगली ही तिथतीच लोक असे सैनिक घडतात, असेच सर्व सैनिक या युवा पिढीमध्ये घडो असं काही जगदंबेच्यांनी प्रार्थना करतो आणि उदयला उदंड आयुष्य लागू असं सर्व नव माताला विनंती करतो की त्याला उदंड आयुष्य लागू आणि असे राजेशजी परब आमचे उपशहर प्रमुख आहेत त्यांच्या सर्व जुन्या सर्व शिवसैनिकांचं मार्गदर्शन लागू असे एक मी काय करतो। आमचे सर्व वाहतूक क्षणा पण आज इथे सर्व सामील आहे, सर्व वाहतूक क्षणेला पण नंतर आपलं विनल खांडवेलकर आमचे आहेत, राम आहे, हे सर्वच इथले जुने शिवसैनिक ते सोबत आहेत, त्यामुळं उदयला असं चांगलं एखादं कार्य त्याच्या हातनं घडू आणि पुढच्या वाढदिवसाला त्याकडे एक चांगलं पद येऊ असं मी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांनी प्रार्थना केली। शिवसेना में आज उदय भाई का जो प्रवेश हुआ है तो हम लोग का सीना चौड़ा हो गया है कि एक शेर वापस हमारे पास और एक शेर आ गया, तो हम क्या शेरों के झुंड में रहते हैं तो हमको शेर पसंद है, और हमारा अध्यक्ष हाजी अरफा शेख वातुक सेना वो भी एक शेर है और एक वीरकर साहब है ये भी एक बहुत बड़ा शेर है, तो ऐसे शेरों के झुंड में रह के काम करने मज़ा आता है। और हम लोग शिवसैनिक है, फोटो निकाल के खाली गटर बिटर का भेजते नहीं, काम करके देते और काम करवा के लेते, खाली लोग क्या बोलते हैं शिवसेना नहीं कर रही वो नहीं कर रही, अरे सब करते हैं हम लोग, क्यों नहीं करते? उद्धव साहब का जो आदेश है हम लोग हर काम करते हैं, किधर भी कम नहीं पड़ते, अगर हमारे आदमी किधर कम पड़ते तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते कि आओ किधर क्या काम है हम लोग को बोलो, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे करो काम और करते हम लोग। उदय जी बड़ा संदेश है ऐसा कि हमारे दिलों कलेजों के जान से उनको इतनी हार्दिक शुभेच्छाएं पूरे मीरा भाईंदर के शिवसेना से और उद्धव साहब के तरफ से कि बस वो अभी तामझाम से काम करे और न्याय दे, क्योंकि शाखा इसी चीज़ है, इधर न्याय मिलता ही है किसको भी, शिवसेना का ऐसा वट ही है। उनको तो पहले बहुत बहुत शुभकामना इसके लिए कि शिवसेना में प्रवेश हुआ है उनका, और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ बातें नहीं होती सिर्फ काम होता है,
बातें बहुत लोग करते हैं, काम फक्त शिवसेना ही करती है। और मुझे उम्मीद है, पहले भी इन्होंने बहुत काम किए इतने, मतलब इनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक को ही मालूम है कि उदय भाई क्या काम किए, तो ज़्यादा कुछ इनके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं। इतना है, कभी शिवसेना में आए शाखा, आप कहीं भी मीरा भाईंदर के अंदर देखोगे, हर गली के अंदर, हर रोड के अंदर कोई भी पार्टी की शाखा हो या ना हो, शिवसेना की शाखा रहेगी ही रहेगी। और कहीं भी क्या है, न्याय किसी को, जनता को मिलता हो ना हो, आप कहीं से भी किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, न्याय मिलता है अगर कहीं भी एक ही बार जाके जो आम आदमी को, वो फक्त शिवसेना से मिलता है। और उदय भाई वैसे ही कार्यकर्ता है, समाज सेवक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसे ही काम करेंगे जैसा पहला करते थे, और जोर से करेंगे। और बाकी हमारे शंकर वीरकर साहब है, जो जिनके लिए तो मतलब मीरा भाईंदर के अंदर नाम ही काफ़ी है, तो उनके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जय।